नमस्कार, अब आप सुनेंगे एईपीएस पर यानी आधार निकासी पर समाचार। जी हाँ बिल्कुल, आधार निकासी पर ताजा खबरें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो निवेदन है सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ लाइक डिसलाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एईपीएस यानी कि आधार निकासी करने वाले रिटेलर को इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि ताजा खबरें आपको हम बताने वाले हैं एईपीएस पर क्या क्या कुछ बदलाव हुए हैं 2024 के अंदर। आपको बता दें एईपीएस पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यानी कि रिटेलर खुद का जो फिंगर लगाते हैं उसके ऊपर चार्जेस देना पड़ेगा, जो एक रुपया से लेके 1.50 रुपया तक अलग अलग कंपनियों के चार्जेस हो सकते हैं। इसके अलावा बात करें जो बदलाव हुए हैं वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के आधार निकासी पर अब आपको प्रति ट्रांजेक्शन 20 रुपया प्लस जीएसटी देना पड़ेगा आधार निकासी पर, यानी कि हर ट्रांजेक्शन पर 20 रुपया 50 पैसा मतलब 20 रुपया प्लस जीएसटी का चार्जेस कटेगा। साथ ही साथ आपको बता दें 3 ट्रांजेक्शन महीने में फ्री होगा। इसके अलावा ताजा खबरें जो अभी निकल के आ रही है आधार निकासी पर वो ये है कि 10,000 रुपया पूरा राउंड फिगर एसबीआई का विड्रॉल नहीं होगा, यानी कि आधार निकासी यदि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का करते हैं एईपीएस के माध्यम से तो 10,000 पूरा अमाउंट नहीं होगा, बल्कि 50 रुपया या 100 रुपया कम करके आप अमाउंट डालेंगे तो आपका विड्रॉल हो जाएगा।